दोस्तों, रामायण में हमें न सिर्फ अनेकों महापुरुषों के बारे में पता चलता है, बल्कि हमें यहाँ अनेकों ऐसी स्त्रियों के बारे में भी जानकारी मिलती है जिनका रामायण में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। चाहे वो माता सीता हो, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला हो, या भरत और शत्रुघ्न की पत्नियां मांडवी और श्रुतकीर्ति हो, रामायण में तपस्विनी शबरी और माँ सीता का साथ देने वाली राक्षसी त्रिजटा का भी नाम आता है। यही नहीं, वानरों में भी हमें बजरंगबली की माता अंजनी के साथ साथ बाली की पत्नी तारा और सुग्रीव की पत्नी रुमा की जानकारी मिलती है। इस प्रकार दोस्तों, रामायण में अनेकों महिलाओं का वर्णन मिलता है। परंतु दोस्तों, जब भी राक्षसों की बात होती है, तब हमें रामायण में ज्यादातर जानकारी रावण की बहन शूर्पनखा और बीवी मंदोदरी की मिलती है। रावण ने भले ही अनेकों विवाह किए, उसकी अनेकों पत्नियां थी, परंतु मंदोदरी रावण की पतिव्रता पत्नी थी। मंदोदरी ने रावण को हमेशा अच्छे सुझाव दिए और माता सीता को प्रभु श्री राम को वापस करने को भी कहा। परंतु दोस्तों, क्या आप रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण की पत्नी के विषय में जानते हैं? कौन थी कुंभकर्ण की पत्नी? कुंभकर्ण का किसके साथ विवाह हुआ था तथा कुंभकर्ण के परिवार का क्या हुआ, आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कुंभकर्ण रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक था। कुंभकर्ण की गिनती रावण और मेघनाद के बाद सबसे ताकतवर राक्षस योद्धाओं में की जाती है। कुंभकर्ण ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र, विभीषण और शूर्पनखा का बड़ा भाई तथा लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। वो बचपन से ही दिखने में बलशाली था तथा कई जनों का भोजन अकेला ही चट कर जाता था। दोस्तों, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा और कर्ण का अर्थ है कान, यानी बचपन से ही उसके कान एक घड़े के समान बड़े थे, इसलिए उसका नाम कुंभकर्ण पड़ा। अपने पिता की आज्ञा अनुसार कुंभकर्ण अपने भाइयों के साथ ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन रहा। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव वहां स्वयं प्रकट हुए। कुंभकर्ण ब्रह्मदेव से वरदान में इंद्रलोक मांगना चाहता था, परंतु इंद्रदेव की प्रार्थना पर माता सरस्वती कुंभकर्ण की जीवा पर विराजमान हो गई और कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निद्रासन का वरदान मांग लिया। बाद में जब कुंभकर्ण ने अपनी इस भूल को सुधारने के लिए ब्रह्मदेव से प्रार्थना की, तब ब्रह्मदेव ने उसे 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वर दिया और साथ यह भी कहा कि जिस दिन तुम्हें जोर जबरदस्ती से उठाया जाएगा, वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। दोस्तों, रामायण में वर्णित है कि जब युद्ध के दौरान रावण को कुंभकर्ण की जरूरत पड़ी, तब रावण के सैनिकों ने कुंभकर्ण को जबरदस्ती उठाया था। कुंभकर्ण ने रावण की आज्ञा से श्री राम से युद्ध भी किया और वो श्री राम के हाथों मारा गया। इस वियोग से कुंभकर्ण की पत्नियां कभी भी उभर नहीं पाई। जी हाँ दोस्तों, कुंभकर्ण की एक नहीं 3 पत्नियां थी। रामायण के अनुसार रावण ने विरोचन की पोती वज्रज्वाला से अपने भाई कुंभकर्ण का विवाह किया था। वज्रज्वाला महाबली बाली की पुत्री थी और बाली विरोचन का पुत्र था। माना जाता है कि वामन अवतार में भगवान विष्णु ने बाली से जब 3 पग भूमि दान में मांगी थी, उस वक्त वज्रज्वाला वहां मौजूद थी। वज्रज्वाला अपने पति कुंभकर्ण के साथ रावण की प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाती थी। इस प्रकार दोस्तों, वज्रज्वाला भी रामायण काल में बड़ी ही गुणी राक्षसी थी। माना जाता है कि वो भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में माहिर थी। उसे कई प्रकार की युद्ध कलाएं भी आती थी। माना जाता है कि वज्रज्वाला और कुंभकर्ण ने मिलकर रावण से ये गुहार लगाई थी कि वो माता सीता को छोड़ दें, परंतु रावण ने उनकी बात नहीं मानी और उसका अंत हो गया। दोस्तों, कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। कर्कटी एक राक्षसी थी और सह्याद्री की राजकुमारी थी। इसके अलावा कुंभपुर के महोदर नामक राजा की कन्या तड़ितमाला से भी कुंभकर्ण का विवाह हुआ था। कुंभकर्ण को सभी वेदों और धर्म अधर्म का ज्ञान था।
यही नहीं, उसे भूत और भविष्य का भी ज्ञान था। भले ही वह राक्षस प्रजाति से था, पर वह एक महान योद्धा था। देवराज इंद्र से युद्ध के दौरान उसने ऐरावत हाथी के दांत को तोड़कर उससे इंद्र पर प्रहार कर दिया था। वज्र ज्वाला से कुंभकर्ण के दो पुत्र हुए थे। इन दो पुत्रों का नाम था कुंभ और निकुंभ। ये दोनों ही भगवान राम और वानर सेना के खिलाफ युद्ध में लड़े थे और वीर गति को प्राप्त हुए थे। कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम मूलकासुर था, जिसका वध माता सीता ने किया था। दूसरे का नाम भीम था। कहते हैं कि भीम के कारण ही भीमाशंकर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। पुराणों के अनुसार कुंभकर्ण अपने पूर्व जन्म में असुर राज हिरण्यकश्यपु का छोटा भाई हिरण्याक्ष था। उस जन्म में उसका वध भगवान विष्णु के वराह अवतार द्वारा हुआ था। इस प्रकार कुंभकर्ण का संबंध भगवान विष्णु के तीन अवतारों से हुआ, श्री राम, वराह और वामन। भगवान विष्णु के वामन अवतार ने राजा बाली का उद्धार किया था और बाली पुत्री ही कुंभकर्ण की पहली पत्नी वज्रज्वाला थी। इस प्रकार दोस्तों कुंभकर्ण का भी अपना एक परिवार था और उसके परिवार में भी अनेकों गुणी राक्षसगण थे। दोस्तों माना जाता है कि कुंभकर्ण बलशाली होने के साथ साथ बड़ा बुद्धिमान था। उसको यह ज्ञात था कि श्री राम विष्णु के अवतार हैं और माता सीता स्वयं लक्ष्मी जी का स्वरूप है। उसने राक्षस जाति पर मंडराते काल को देख लिया था तथा उसने रावण को धर्म और सदगति मार्ग सुझाया था, परंतु रावण ने कुंभकर्ण की एक बात न मानी और कुंभकर्ण मारा गया। तो दोस्तों क्या आप कुंभकर्ण और उसके परिवार के विषय में इन सारी बातों को जानते थे तथा आपको इस वीडियो में बताई गई कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये भी हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।